Good morning, my dear students of class 9. This is Paro ma'am and I am taking you on online classes of English. Whereas yesterday we have started our first English classes throughout our BI book chapter number 1, The Fun They Had. Now today we are going to the next passage. In the last part we have saw that this chapter is basically making on behalf of the future. What will be the effect on the future in education, that is the main theme of this chapter. Here is two characters, main Margie and his friend Tommy. And Margie and Tommy both are running in minimum 150 years letters incidents facing, whereas the today's education system is very boring near them. मतलब मार्गी और टॉमी जो है वो लोग आज से लगभग 150 साल बाद के एजुकेशन सिस्टम को अटेंड करते हैं, जहाँ पे उन लोगों के लिए आज जो कि हम लोग अभी भी बुक से कॉपी से पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई इस पैटर्न ये पैटर्न से वो लोग थोड़ा अव्यूज थे, मतलब कंफ्यूज थे, थोड़ा सरप्राइज थे कि ऐसे कैसे पढ़ाई होता था। हम लोग को तो ऐसे नहीं थे, हम लोग तो कोई बुक नहीं लेते हैं, प्रिंटिंग पेज नहीं लेते, हम लोग को टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन के दौरान हज़ारों बुक उसमें अपलोड रहते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ना स्कूल जाना पड़ता है, तो रैदर थिंग्स ये सब उन लोगों के दिमाग में आता है। तो टॉमी को एक ऐसा बुक मिलता है अपने एपाटाइज में, मतलब अपने स्टोर रूम में, जो उनके दादाजी के भी दादाजी के समय का, मतलब बहुत ही पुराना समय का बुक, जो कि आज हम लोग जैसे बुक से पढ़ते हैं वैसा ही। तो ये बुक देख के उन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आता है कि तब का एडुकेशन और अभी के एडुकेशन, मतलब अभी के मतलब उन लोगों के टाइम के एडुकेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन मार्गी जो है, मार्गी को हमेशा स्कूल से ही नफरत है, भले वो ऑनलाइन हो, वर्चुअल हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, मतलब स्कूल पर जाना हो, उसके लिए पढ़ा ही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मार्गी जब पूछी व्हाट्स इट अबाउट, तो टॉमी ने बोला स्कूल, इट्स अबाउट क्या, स्कूल है, स्कूल के बारे में बोला। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी थोड़ा चौक है, स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, पर क्या लिखा है इस किताब में स्कूल के बारे में, आई हैड स्कूल, मुझे तो स्कूल के नाम सुनते ही घिन आ जाता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत करती है, बिकॉज बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन फिलहाल कुछ दिन हुआ है और भी ज़्यादा वो स्कूल को इग्नोर कर रहा है, मतलब घिन कर रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग ओर्स एंड ओर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मतलब देखो, भले वो आज का पढ़ाई हो, भले 150 साल बाद भी पढ़ाई हो, पढ़ाई पढ़ाई तो करना ही है। पढ़ाई का क्या है अभी यहाँ पे, क्या होता है, हम लोग स्कूल हो रहा है, बच्चे क्लास में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद टीचर टेस्ट ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, बैठ के देना पड़ता है। तो एक्चुअल थिंग इज़ क्या, पढ़ाई कर रहे हो तो टेस्ट यू हैव टू गिव सम टेस्ट, तो मार्गी को भी देना पड़ेगा, भले वो ऑनलाइन पढ़े, वर्चुअल पढ़े, जो भी पढ़े, रोबोटिक टीचर के द्वारा पढ़े, लेकिन टेस्ट उसका भी होता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये सब पढ़ाई टेस्ट देना ये सबसे उसको झंझट लगता था। He was a round little man. अच्छा, यहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया गया है, जो मैकेनिकल टीचर कौन है, रोबोटिक, हम लोग पिक्चर में देखे हैं रोबोट। अब रोबोट तैयार रहेगा रूम में, वो रोबोट एक्टिविटी के दौरान तुम्हें बोलेगा ओपन योर दिस बुक, ओपन योर ओपन दिस फाइल, ओपन दिस पेज, ऐसे बोलेगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो यही पर बताया जा रहा है वो इंसान कैसा है, वो रोबोटिक। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, छोटा सा गोला सा एक आदमी, विथ ए रेड फेस, इसका चेहरा लाल लाल है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, जिसका पूरा शरीर यंत्र से तैयार है। पता है रोबोट का पूरा शरीर का पार्ट्स टूल्स मशीन से ही बनती है, विथ डायल, उसमें कुछ डायल्स भी हैं और वेयर्स भी है। ये है टीचर, और हम क्या है, पूरे हड्डी मांस से बने हुए एक इंसान, ह्यूमन बींग, बट उसका क्या है, एक मैकेनिकल टीचर। ही स्माइल दैट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो स्माइल, मतलब रोबोट लोग एक्टिविटी करते हैं ना, गर्दन वर्दन हिलाते, तो वो स्माइल करता है और मार्गी को एक एप्पल देता है, क्या करता है, देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। हाँ, तो मार्गी को एक एप्पल देता है, बोल के इसको आधा आधा करके दिखाओ, बट ही यू नो हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज
अगेन, ऐसे ही उसको कुछ एप्पल वेपल देके कुछ काम कराने के लिए बोलते हैं, इसको एक बार तोड़ो और जोड़ो, ऐसा कुछ काम उसको देता रहता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। लार्ज एंड बिग स्क्रीन मतलब चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो, उसमें यही सब रोबोटिक टीचर आके यही सब करने के लिए बोलता है, इसको तोड़ो इसको जोड़ो। अभी हम लोग का भी होगा बहुत जल्दी, बिकॉज यू पीपल मे बी नो दैट आवर स्कूल इज मैच्ड अप विद लीड स्कूल। तो लीड स्कूल के दौरान जब पढ़ाया जाएगा, जब वर्चुअली बने, जब क्लासेस में लीड स्कूल प्रॉपरली पढ़ाएगा, देखना बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी के दौरान तुम लोग को करना पड़ेगा, जो कि प्लास्टिक के कुछ इक्विपमेंट्स है, ऐसे ऐसे चीज़ों को मैथ इक्वेशन समझने के लिए बहुत चीज़ लगेगा, उसके दौरान हम एडुकेशन सीखेंगे। तो यही कारण है हम पहले आज के ज़माने में हम ऑलरेडी उस रास्ते पे पैर रख चुके हैं, जो कि हम लोग को सच में आज से 100-150 साल बाद सामना करना पड़ेगा। तो मार्गी वही हो वही से फेस की है। अब क्या बोल रहे हैं, That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. वो सब तो ठीक है, जो भी आते हैं एप्पल का पिक्चर विक्चर टूटना तोड़ना फोड़ना, वो तो उतना भी मार्गी को ख़राब नहीं लगता जितना होमवर्क करने के बाद वो सब होमवर्क को ऑनलाइन इनपुट करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर को सबमिट करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड। मैंने 6 साल की उम्र से ही ऑनलाइन पे वर्चुअली रोबोटिक टीचर से कैसे काम मैंने पढ़ाई होगा। कोई भी होमवर्क जब कंफर्म हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था ऑनलाइन पे, मतलब देखो हम लोग अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को होमवर्क दूंगी, तुम लोग कॉपी पेज में लिख के मोबाइल पे व्हाट्सएप के दौरान भेज दोगे, बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ से यहाँ पे जब आज से 150 साल बाद जब पढ़ाई होगा तब वो भी तुम्हें कंप्यूटर में टाइपिंग करके उसको कंप्यूटर के दौरान इनपुट करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करने के लिए एक पंच कोड रहता है, सब्जेक्ट कोड पंच कोड रहता है, एक पंच कोड को यूज़ करते हुए मार्गी को होमवर्क सेंड करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ जो थी मार्गी को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, दिक्कत देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और वो जो मैकेनिकल तुम लोग का कॉपी कौन चेक करते हैं, हम लोग टीचर। और यहाँ पे जब 150 साल बाद ऐसा समय आएगा जब वही कंप्यूटर में ही तुम पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में ही होमवर्क जमा कर रहे हो, कंप्यूटर ही चेक करके तुम्हें बता देगा तुम्हें इतना नंबर मिला है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्किस। अब देखो हम जब डायरेक्ट कॉपी चेक करते हैं, मान के चलो किसी इंग्लिश का टेस्ट लिया, किसी को 10 में 5 मिला है, तो हम क्या करते हैं, क्यों बेटा 5 क्यों मिला है और क्यों नहीं मिला, क्यों गलती किए, हम लोग समझाते हैं ना, क्यों पढ़ नहीं रहे हो क्या। लेकिन यहाँ पे उसको यही सब बोलने वाला कुछ नहीं है, वो रोबोटिक टीचर कंसोल कर देता है, मतलब गुड बेटर बेस्ट जो भी है फीडबैक दे देता है। ही सेड टू हर मदर मार्गी, अब बताओ मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट कैसे उसके मम्मी के साथ बात करेगा, रोबोट ऐसे बात करेगा कंप्यूटर के दौरान रिपोर्ट आ जाएगा। अगर मार्गी के मम्मी हो सकता है कंप्यूटर के सामने गई तो खोल के देखी उसका रिपोर्ट असेसमेंट, तो देख पाएगी कि मार्गी को कितना मिला है। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, तुम लोगों को जब 10 में 5 मिल रहा है तो हम लोग पीटीएम करते हैं, तुम लोग का गार्जियन आता है, हम टीचर बोलते हैं कि आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है कम पढ़ रहा है, व्हाट एवर द रीज़न हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पे कौन बोलेगा, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर बोलेगा, मैकेनिक्स के दौरान बोलेगा, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के दौरान बोलेगा, ठीक है। तो ऐसे उसके मम्मी को बताता है कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा गलती हुआ है वो सुधार लेगा। इट्स नॉट द लिटिल्स गर्ल फॉर, बोले ये बच्ची का गलती नहीं है मिसेस जोन। नाउ अब और एक कैरेक्टर अभी हम लोग को मिला है, वो है मिसेस जोन। तो हु इज मिसेस जोन, मार्जिस मदर, ठीक है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है जियोग्राफी का जो सेक्टर है बहुत जल्दी जल्दी मशीन में अपलोड हुआ है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभार ऐसा होता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैं इसको थोड़ा स्लो कर दे रहा हूँ, टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड, मतलब कहीं ना कहीं जियोग्राफी का टेस्ट शायद लिया था मार्गी का, जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है। तो मैकेनिकल टीचर बोल रहा है कि हो सकता है कि जो सिस्टम में अपलोडिंग है वो बहुत फास्ट अपलोड हुआ है, मैं इसको मार्गी के एज के मुताबिक अपलोड कर दे रहा, तो जो भी सब क्वेश्चन आंसर आएगा मार्जी के लेवल का आएगा। तो ये सब भी हो सकता है आज से कुछ साल पहले बाद। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, लगभग बाकी वो जो भी लिखी है, जो भी सबमिट किया है आंसरिंग, लगभग ठीक है। एंड दी पैटर्न मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो एक बार मार्गी के सर पे हाथ मर लगता है। अब रोबोट घर पे ही है, मतलब उसका जो क्लासरूम है, जो ड्राइंग रूम है, जो उसका पढ़ाई का रूम है, स्टडी रूम है, उसी स्टडी रूम में ये सब मशीन
ये सब रहेगा। मतलब सोच लो, तुम लोग भी सोचो, कभी ऐसा हुआ 150 साल बाद हम लोग रोबोट हम लोग को आके पढ़ा रहा है, सामने कंप्यूटर बोल रहा है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, कैसा लगेगा? सम ऑफ से कि मैम बहुत अच्छा, और सम ऑफ बोलेंगे नहीं मैम हमको स्कूल जाना है, स्कूल जाके भले बदमाइशी करे तोड़े फोड़े, लेकिन हमको स्कूल को ही स्कूल ही जाना है। सो डिसीजन इज योर। एनी वेज मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी थोड़ा उदास हो जाती है। She had been hoping they would take teacher always together, away together. वो हमेशा जाती है कि टीचर के झंझट से वो छुटकारा मिले। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वो सोचता है कि टॉमी का अच्छा है, टॉमी भी उसी अंदाजे से पढ़ता है जैसे मार्गी पढ़ती है। टॉमी भी वही ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ता है वर्चुअल क्लासरूम के दौरान, लेकिन टॉमी का क्या हुआ है, टॉमी का हिस्ट्री टीचर मैंने हिस्ट्री का जो पार्ट्स कंप्यूटर में बहुत दिन से ब्लैंक हो गया है, तो कुछ दिन हो गया टॉमी को हिस्ट्री टीचर का सवाल जवाब नहीं करना पड़ रहा, तो वो भी सोच रहा है मेरा भी अगर होता अच्छा होता, मैं भी छुटकारा मुझे मिल जाता। सो सी शेड टू टॉमी, तो वो टॉमी को बोली व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, मतलब कोई क्यों स्कूल के बारे में इतना कुछ लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसके तरफ घूर के देखती है, किसके तरफ, मार्गी के तरफ घूर के देखती है और बोलती है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, अरे ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये पुराने जमाने का स्कूल है स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब ये वो स्कूल है जो कि आज से 100-100 साल पहले का स्कूल है। ही हैड इट लवफुली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरी, मान के चलो कई शतक पहले जबकि स्कूल बोल के रहता था, ये तब का जमाने का स्कूल है जो मेरे इस किताब में लिखा है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ा खराब लगा ऐसे बोला, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मार्गी बोला हाँ मुझे कैसे पता होगा आज से कई सेंचुरी पहले के स्कूल कैसे था ये तो मुझे अंदाजा नहीं है। शी रीड द बुक ओवर ही शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, तो फिर भी वो उस स्कूल के बारे में थोड़ा जानकारी करनी चाहती है, वो बुक को लिया, टॉमी से वो बुक मांगी और बोली कि चलो, लेकिन उस टाइम तो वो होता था उन लोगों के पास टीचर तो रहता था, मतलब कौन से टीचर, जो अभी हम लोग हैं, बोले अच्छा तब उस टाइम के स्कूलों में टीचर होती थी। सो स्टूडेंट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, वी विल गेट बैक विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑन टुमारो ऑन आवर न्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक इफ यू विल प्लीज रीड दिस पैसेज एट योर होम, इफ एनी डाउट्स इन एक्सप्लेनेशन एंड एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल डेफिनेटली आंसरिंग योर क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।